आदाब नाज़रीन, आप जुड़ चुके हैं जेकेसी नेटवर्क के साथ मेरे फेसबुक पेज नासिर के ऑफिशियल पे और मेरे यूट्यूब चैनल नासिर के शाह और भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो चाय की मशहूर घाटी में, खूबसूरत घाटी में हम मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है बीजेपी के मंडल प्रधान ठाकुर युधवीर जी, जो कि DDC काउंसलर भी है भदरवाह वेस्ट से, और जो भदरवाह के जाई में जो स्मोक कार्निवल शुरू हुआ है। तो आज जो मेहमान खुसूस यहां पर जो है आए हुए हैं युधवीर जी, इनसे जानेंगे कि ये इस प्रोग्राम को किस तरह से देखते हैं और ये वादी के बारे में, इस वादी के बारे में क्या कहते हैं। तो ठाकुर जी, सबसे पहले स्वागत करते हैं, आप बताइए जो फेस्टिवल हो रहा है तो क्या समझते हैं आप, किस कितना इससे जो है टूरिज्म को बूस्ट मिल सकता है? शुक्रिया नासिर साहब, आपका बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि आप यहां जाई वैली में हैं और आज आपकी विरासत से हम लोगों को बहुत एक मैसेज देना चाहते हैं यहां जाई वैली से कि जैसे कि इस स्नो फेस्टिवल के जो यहां लगाने जा रहा था, वहां 3-4 महीने से गवर्नमेंट से 1-to-1 हमारी बात चलती थी पहले भी कि ये होना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल से एक ये हुआ, ये सट प्रोग्राम हुआ जो कि इंडियन आर्मी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की विरासत से ये प्रोग्राम होने जा रहा है, वो ये हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया गया है, हम बहुत खुश हैं कि एक जाई वैली में आपको, मुझे लगता है ज़्यादा नहीं, इस वक्त 3 फीट बर्फ यहाँ इस वक्त भी जमा है और लोग भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं इस जाई वैली में। आप देखें आज मुझे लगता है मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत हसीन वादी है। मैं कहता हूँ जो भी यहाँ टूरिस्ट आए, जो भी बाहर से लोग आए, तो वो इस चीज़ का मुझे लगता है अलग से ही लुत्फ उठा सकते हैं और उठाने जा रहे हैं इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ। इस वक्त ठाकुर साहब, फेस्टिवल तो हो रहा है, लोग भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, आप बताएं आपको कितना अच्छा लग रहा है इसे ऐसे ऐसे माहौल में, ऐसी वादी में आकर जहाँ पर चारों तरफ बर्फ़ है। देखें मैं राशद साहब, देखो आपको बताना चाहूँ, लोग करोड़ों रुपए खर्च के इन हसीन वादियों को, इस बर्फ़ को देखने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर आते हैं, करोड़ों रुपए खर्च के। हमें अहमियत नहीं इन जगहों की, इस बर्फ़ की हमें उतनी अहमियत, लेकिन लोगों को उनको पता है जो बाहर कंट्रीज बाहर स्टेटों से आते जिन्होंने बर्फ़ देखी नहीं है, और यहाँ मैं देख रहा हूँ बाहर के कुछ लोग आए हैं, वो इतने मस्त हैं, इतने खुश हैं, बर्फ़ को देखते हैं, कभी हाथ में उठाते हैं उसका मज़ा लेते हैं, कभी चखते हैं, तो वो हमें पूछते हैं यार ये पड़ती कैसे। मैंने कहा जब पड़ती है तो आप देखिए आ जाओ कि कैसे पड़ती है। वो बोलता है आप रहते कैसे। मैंने कहा इसमें रहने का बहुत मज़ा है, जितना हमें 3 महीने यहाँ इंजॉय करते हैं, मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान में कोई लोग इंजॉय नहीं करते होंगे जो हम इस भदरवाह में इंजॉय करते हैं। हम खुशकिस्मत लोग हैं कि हमें भदरवाह में ऐसा सीन वादिया ऐसे अच्छे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट दिए हैं कि मुझे लगता है उस ऊपर वाले का हम शुक्र गुजार है कि जिन्होंने हमें यहाँ पर जन्म दिया है। तो ठाकुर साहब, जैसे आपने कहा कि बड़ी मुश्किलों से जो है आपके एफर्ट्स हैं तो ये फेस्टिवल हो पाया है, और बड़ी देर के बाद 2-3 साल हो गए क्योंकि कोविड की वजह से जो है बिल्कुल सब कुछ ठप पड़ा हुआ था, तो बड़ी देर के बाद कहीं थोड़ी सी चहल पहल दिखी, जैसे कि डी साहब ने कहा था कोरोना के केस में कमी आ रही है, तो ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि टूरिज्म को भदरवाह में बढ़ावा मिल सके। तो आप बताइए कि आने वाले वक्त में क्या क्या आप जो है आप कोशिश करेंगे कि भदरवाह में ऐसे ऐसे प्रोग्राम हों, क्योंकि अब आने वाला सीज़न भी है, काफ़ी टूरिस्ट आने की उम्मीद है, तो क्या कहेंगे उस पर आप? मैं सबसे पहले तो DC डोडा विकास शर्मा जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इनिशिएटिव से, उनकी मेहनत से, मैं उनको श्रेय देना चाहूँगा कि वो एक बहुत ईमानदार और अच्छे काम करने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, हमें उनसे पाला पड़ता है अरवखल, लेकिन वो ज़मीनी हकीकी को देखकर सारी बातें समझते हैं और जैसे उनके साथ हमारी डिस्कस होती है वो इस बारे में टूरिस्ट के बारे में बहुत सेंसिटिव हैं कि भदरवाह इस दफ़ा टूरिस्ट जब आएगा तो हम कैसे उनको कैसे रख पाएंगे, और हमें ये पता है कि इस वक्त अगर कोरोना बैठ जाएगा तो लाखों के हिसाब से भदरवाह में टूरिस्ट आएंगे और मुझे लगता है यहाँ जुगाड़ी मिलेगी लोगों को बैठने के लिए। तो मेरा मानना है कि इस दफा टूरिस्ट बहुत आएगा और हमें तैयार रहना चाहिए उनकी हलफ के लिए। अच्छा, अगर बात करेंगे भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की, क्योंकि ये सारा जो है मेंटेनेंस भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है, उसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें, तो क्या आप समझते हैं कि भदरवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी को भी आपने जो है बूस्ट करना चाहिए, फंड्स वगैरह के बड़े इशूज रहते हैं, ताकि ऐसे भी जगहों को एक्सप्लोर किया जाए, ऐसी ऐसी जगहों पर जो फेस्टिवल कराया जाए, इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने सही फरमाया, हमने कल ही CEO BDO साहब से, वजीर साहब से खुलकर डिस्कस की इस बारे में कि आप खासकर भदरवाह में आप ये तैनात हुए तो आपको काम करना ही पड़ेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ भदरवाह में टूरिस्ट बहुत आने वाला है, उसके लिए आज ही तैयार होना होगा। खासकर फंडिंग की जहाँ तक बात है तो हमने उनसे डिस्कस की कि आप जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट अड़े पड़े हैं या
आपको भद्रा में जो हमारे पुराने डेस्टिनेशन अभी बने हुए हैं उनको मेंटेन करना, खासकर गाठा लेक है आपका, TRC है आपका, नीचे यूनिवर्सिटी के पीछे अपना कौन वो, हाँ बिल्कुल वो है, उसके बाद कई और छोटे मोटे जो गवर्नमेंट के बने हैं उन पर भी आप जल्दी से जल्दी काम कीजिए और उनको फटाफट उनकी रिपेयर और मेंटेनेंस करें, ताकि मार्च से कई बाद ही मुझे लगता है भद्रा में बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट आने वाला है। अच्छा, अपने आपसे कहना चाहूँगी बड़ी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुई, भद्रा वाटर अथॉरिटी हुई, जो है जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड विंटर स्पोर्ट्स हुआ, अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी एक्टिव उनका जो है रोल यहाँ पे रहा है, और इस प्रोग्राम को अगर कामयाब बनाने में अगर हम कहेंगे कि बहुत ज़बरदस्त रोल अगर रहा हो तो वो इंडियन आर्मी का रहा, तो आर्मी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? आर्मी के लिए तो मैं, मेरे पास ऐसे कोई शब्द नहीं कि उनके इतनी जितनी तारीफ की जाए, काम में जैसे आप देख रहे हैं कल से ही यहाँ पर रात दिन वो काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को चाय पिला रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी से हट कर वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, तो ये मैं कहता हूँ बहुत ज़बरदस्त आर्मी ने काम किया फोर आर ने भदवा के लिए किसी भी फील्ड में, और आज आप देख रहे हैं उसको जो इंटरटेनमेंट कर रहे हैं वही फोर आर करने जा रही है, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हर किसी को चाय पिलाना, उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनका उनसे इंटरटेनमेंट करना, भाई मुझे लगता है बहुत, मैं बहुत खुश हूँ आर्मी के काम से। ठाकुर जी, हमने देखा कि जो सर्वे हुई थी 10 साल के बाद जई वैली में विंटर फेस्टिवल हुआ है, 10 साल बहुत बड़ा अच्छा होता है, और हम देख रहे हैं कि 10 साल में काफ़ी चीज़ें बनती हैं, काफ़ी जो है कुछ चीज़ें जो बनी हुई थी वो उजड़ भी गई है, एक बहुत बड़ा अरसा होता है 10 साल, तो क्या समझते हैं आप अगर आप 10 साल के बाद जो है आपके इस नेतृत्व में आपकी सरकार में आपकी जो ये एफर्ट्स से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आने वाले वक्त में भी इससे बड़े बड़े प्रोग्राम हो सकते हैं भद्रा के अंदर? बिल्कुल सर होंगे, आपने कुछ ही दिन पहले गवर्नर LG साहब का आपने देखा होगा टूरिस्ट के बारे में, जो उन्हें टूरिस्ट पर मीटिंग बुलाई थी, उसमें जो 70 गाँव नए जम्मू कश्मीर में उन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं, जिसमें 7 या 8 गाँव भद्रा के भी हैं, और उन्होंने बोला है कि इस वक्त टूरिस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा देंगे और किसी सेंटर भी आ रहा है, सेंटर से पैसा आने आ रहा है, तो हम चाहते हैं भद्रवा खासकर जम्मू रीजन में भद्रवा वाइज ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पर इसको मेंटेनेंस, क्योंकि करोड़ों अरबों के वहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं, एक तो उनको मेंटेनेंस करने की ज़रूरत है, और दूसरे नई जगहों पर जैसे यहाँ जाई वैली है, यहाँ बैठने के लिए इतने बड़े गेस्ट हाउस हैं नहीं है कि यहाँ पर अगर 100 आदमी एकदम आए तो उनको हम यहाँ रखने में सक्षम हों, तो हम चाहते हैं यहाँ भी गवर्नमेंट एक बहुत बड़ा एक गेस्ट हाउस बनाए या कोई TRC की तरह बनाए, वैसे ही गुलडंडा है, वैसे ही पदरी है, तो मैं कहता हूँ एक से बढ़कर सपाट है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, और हमें आगे बढ़कर इनकी हम तो इनकी पुल की तरह काम करते हैं, क्योंकि हमें जहाँ इनको दिक्कत आती है हम इनके सामने खड़े हो जाते हैं, जहाँ हमें दिक्कत ये सामने खड़े हो जाते हैं, तो कुल मिलाकर हमें मिलजुल कर काम करना है, इसको भद्रवा को आगे चलाना है। दोस्तों, आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपका ये वीडियो जो है, क्योंकि हमारे व्यूवर जो है अब्रॉड में भी, बाहर मुल्कों में भी है, और एक वक्त था कि भद्रवा में जो है बाहर के मुल्कों से भी जो है लोग आया करते थे एक वक्त था, तो क्या समझते हैं जो आपको देख रहे हैं, चाहे वो इंडिया के हों, जम्मू कश्मीर के हों, या दूसरे मुल्कों के, आपको इस वक्त सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, तो क्या मैसेज देंगे भद्रवा की तरफ से, भद्रवा की खूबसूरत वादियों की तरफ से क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा, जो भी हमें इस वक्त देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी, भद्रवा एक बहुत अच्छी जगह है, भद्रवा के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, आप आ जाएं भद्रवा में और हम आपका वेलकम करेंगे, जहाँ भी आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी हम रात दिन आपके लिए काम करेंगे, खासकर जो बाहर से मेहमान आते हैं हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं, भद्रवा में मेहमान नवाजी का एक बहुत बड़ा एक यहाँ पर इतिहास है हमारा, कि हम मेहमान नवाजी में सबसे नंबर 1 है, तो आए और यहाँ भद्रवा की जो हसीन वादियाँ हैं, बड़े बड़े यहाँ गुलडंडा है आपका, पदरी है आपका, जाइए, इसके अलावा सैकड़ों टूरिस्ट स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को भी पता नहीं कि उस स्पॉट का, जैसे नूरी फिल्म बॉलीवुड की भद्रवा में बनी हुई, वो भी छोटे छोटे स्पॉट हैं, मोंडा है आपका, हंगा है, धारा है आपका, केलाड़ खलनी है वगैरह वगैरह, कितने भी नाम आपको बताएं वो भी कम होंगे, तो मैं फिर यही लास्ट में उनको मैसेज देना चाहूँगा, अपने जो हमारे मेहमान इस दफ़ा आने वाले हैं, आप आएँ और भद्रवा में लुत्फ़ उठाएँ, हम आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।